सुप्रभात, मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा फोर्थ को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें पाठ है ए, तब याद तुम्हारी आती है। इसमें मनुष्य कहता है कि जब भगवान तुम्हारी रचनाएं देखता हूँ तो तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आती है। भगवान ने अनेक प्रकार की रचनाएं बनाई हैं। सूरज है, चांद है, तारे है, पृथ्वी है, पहाड़ है, नदियां हैं। ये सब भगवान की ऐसी रचनाएं हैं जिसको मनुष्य नहीं बना सकता। जब हम इनको देखते हैं तो हमें भगवान की याद आती है। तो इस पाठ में कवि को सुबह और शाम दो समय प्रकृति की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अब आपके सामने कविता पढ़ रही हूँ। कविता देखो, तब याद तुम्हारी आती है। जब सुबह सवेरे चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शाम से उगता है और दिशा घुल घुल जाती है, जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। इसमें देखो, मनुष्य को हो या कवि को, सुबह और शाम भगवान की रचनाएं देखकर भगवान की याद आने लगती है कि भगवान ने ये रचनाएं कैसे बनाई होंगी, कितनी सुंदर रचना है भगवान की। देखो, जब सवेरे हम उठते हैं तो चिड़ियाँ चहचाना शुरू कर देती हैं, और चिड़ियाँ जो चहचाती हैं उसकी तुलना कवि ने खुशी के गीत से की है। ऐसा लगता है कवि को जो चिड़ियाँ चहचाती हैं तो खुशी का पूरा संसार खुशी से झूम उठता है। तो देखो, जब सुबह सवेरे चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं। जब सुबह जब हम उठते हैं तो सवेरे सवेरे चिड़ियाँ चहकना शुरू कर देती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो मनुष्य के लिए कुछ खुशी के गीत गुनगुना रही हैं या गा रही हैं। इसी प्रकार जब कलियां हैं, जो फूल जो पूरा नहीं खिलता है, अधखिले फूल को हम कली कहते हैं। तो ये जब आपके जंगल में झाड़ियों के बीच में बहुत सारी कलियां खिलती हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि ये कठिनाइयों के दरवाजे को खोल रही हैं, अर्थात हमारे लिए जीवन को आसान बनाने के लिए मुस्कुरा रही हैं। हमारा जो जीवन है आसान बन जाता है कलियों को, अध खिला हुआ कलियों को देखकर। अर्थात फूल तो पूरा खिला हुआ होता है, अर्थात हमें पूरी ही खुशी मिल जाती है, किंतु जब कलियां खिलती हैं तो ऐसा लगता है हमारे जीवन में नई नई आशाएं, नई नई उमंगें करवट ले रही हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। देखो, पहले जो आपके ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, आठ पंक्तियाँ, इसमें सुबह की जो रचनाएँ हुई हैं, सुबह प्रकृति ने जो रचना की है उसमें भगवान की, हमें उसकी रचनाओं को देखिए भगवान की याद आने लगती है। देखो, इसमें दो बच्चे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि देखो, जब सुबह होती है, चिड़िया गुनगुनाती है, तो आपके उनको भगवान की याद आने लगती है। आप घरों में अनेक प्रकार के फूल लगाते हो, देखो, है ना, विभिन्न प्रकार के फूल लगाते हो, उससे तरह तरह की खुशबू आती है, तो उससे हमारा जीवन क्या होता है, महक उठता है। तो इसी तरह देखो, बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कवि को ऐसा लगता है कि खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, जब
हमारे घर में जो फूल वगैरह पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन पे तरह तरह के जो फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उससे जो खुशबू आती है और वो बाहर तक आने लगती है, तब बच्चों को, कवि को, मनुष्य को ऐसा लगता है कि भगवान तुमने क्या रचना बनाई है जो तुम्हारी आश्चर्यजनक रचना है, और उसकी याद आने लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे संसार के रचयिता, तब तुम्हारी ऐसी रचनाओं को देखकर तुम्हारी बार बार याद आती है। भगवान ने भी देखो कितनी अद्भुत रचनाएं की हैं जिसकी मनुष्य रचना नहीं कर सकता। आपके सामने सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, नदियां हैं, और इन सभी रचनाओं को देखकर छोटे छोटे बच्चे भी भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं। अब देखो शाम का समय है, और शाम के समय अर्थात रात में जो भगवान ने रचनाएं की हैं उसको देखकर भी कवि को आश्चर्य होता है, और वो भगवान को याद करने लगता है कि भगवान तुमने कैसी आश्चर्यजनक रचनाएं की हैं, और बार बार उसको याद करता है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, महफिल माने सभा होती है, आपके कई बार आपके स्कूलों में भी सभा होती है, बच्चों की बाल सभा होती है, तरह तरह की, उसमें आप गाने, कविता, कहानियाँ करते हो, आप बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, मुशायरे की भी रखते हैं, कवियों की भी रखते हैं, उसमें श्रेष्ठ कवि अपनी कविताएं बोलते हैं। तो उसी तरह महफिल है, आपके रात का वक्त है, उसमें जब तारे चमकते हैं रात को तो ऐसा लगता है कि आसमान पूरा सज गया है, अर्थात रात ने पूरे आसमान को सजा दिया है, और तारे हैं वो चुपचाप महफिल में अर्थात सभा में बैठे हुए हैं और रात को सजाने का काम कर रहे हैं। जब चांद शाम से उगता है और दिशा घुल घुल जाती है, और शाम से जब आपके चांद, चंद्रमा है जो आपके, उदय होना शुरू करता है, तो चारों दिशाओं में अर्थात दसों दिशाओं में उसका प्रकाश फैल जाता है। उसकी शीतलता को देखकर, उसके प्रकाश को देखकर मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है कि चांद के जो, चंद्रमा में जो शीतलता होती है वो हमें कहीं नहीं मिलती है। जितनी शीतलता उसके चंद्रमा में होती है उतनी शीतलता हम कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, जब ओस हरी घास पर आपके गिरती है और सुबह जब वो मोती के रूप में चमकने लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि संसार में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई हैं। कवि ने इसमें तुलना की है, ओस की तुलना है आपके खुशी से की है, क्योंकि ओस की बूंदें हमारे जीवन में मोतियों का काम करती है, अर्थात हंसने खिलखिलाने का काम ओस की बूंदें करती हैं। तो कवि को भगवान की ऐसी रचनाएं देखकर आश्चर्य होता है, और वो भगवान को याद किए बिना नहीं रहता है। हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। हे संसार के रचयिता, हे संसार को रचने वाले भगवान, तुम्हारी मुझे बार बार याद आती है कि तुमने कैसी कैसी विचित्र रचनाएं की हैं जिसको मनुष्य कभी भी पा नहीं सकता है, और भगवान तुम्हारी ये रचनाएं आश्चर्यचकित हैं जिनको मैं भूल भी नहीं सकता। बच्चे विनती कर रहे हैं भगवान से, देखो आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान तुमने कैसी रचनाओं को जन्म दिया है जो मनुष्य से शायद संभव नहीं है। देखो बच्चों, मैंने आपको जो कविता पढ़ाई उसमें देखा है आपने कि भगवान ने हमारे लिए आश्चर्यजनक जो आपके रचनाएं की हैं, जैसे चांद है, सूरज है, धरती है, पहाड़ है, मैदान है, सबको देखकर आश्चर्य होता है। आपको जो आवाज़ मिली वो भी भगवान की एक देन है। जो एक स्त्री से एक बच्चा जन्म लेता है, एक सृष्टि की रचना होती है, वो भी भगवान की देन है। कैसे संसार भगवान ने रच दिया, तो आपके सामने प्रश्न आता है भगवान ने क्या क्या बनाया है, भगवान के सामने हम क्यों समर्पित होते हैं, शाम को चंद्रमा क्यों चमकता है, सुबह सूरज उदय क्यों होता है, चिड़िया क्यों चहकती हैं, पक्षी क्यों उड़ते हैं,
हम दौड़ क्यों लगाते हैं, हम सफल होने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भगवान की सब देन है, तो हम उनको पाने के लिए बार बार भगवान से विनती कर सकते हैं। तो बच्चों आपको कविता ये बहुत अच्छी लगी होगी, इस कविता को बार बार पढ़ना, बार बार याद करना और भगवान को याद करना। आपको बच्चों मैंने आज कविता पढ़ाई अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी ना। इसमें देखो आपको आपने भगवान को भी याद किया, भगवान को आप याद किया करो, भगवान बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करता है ना। वापस कविता पढ़ना और जो नहीं समझ में आया हो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद। चलो फिर।